स्टार्ट हो गया चलो देखो ये तुम्हारा आ गया क्या उत्तर पूर्व की पहाड़ी। इसको दो फेज में दिमाग में रख लो। नंबर वन फेज आ जाता है कि कौन पहाड़ी किस स्टेट में है और वहां पहाड़ियों की कुल संख्या कितनी है। नंबर टू आएगा कि उसकी विशेषता क्या है। तो पहला देख लो ये अरुणाचल प्रदेश हुआ और इसी अरुणाचल प्रदेश में डापला मिनी पोहिसिंग का कीमत है। ध्यान रखना पोहिसिंग का कीमत है अरुणाचल प्रदेश में। देख लो ये आ गया नीचे में कौन सा डापला नीचे में आ गया तो डापला डापला के ऊपर मिनी मिनी के ऊपर यहाँ आ गया मिसमी। बस यही सीक्वेंस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए और इसी को दिमाग में रखते हो। अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देख रहे हैं और ये तुम जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश में ही तुम्हारा शिवालिक श्रेणी को किन नामों से जाना जाता है। मतलब ये जो पहाड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं कोई अलग से पहाड़ी नहीं है बल्कि ये पार्ट ऑफ शिवालिक है। क्या क्या नाम बोले हम बोले डापला ये पहाड़ी नीचे वाला हो गया डापला यहाँ हो गया मीरी ये हो गया आहोर ये हो गया मिश्री और ये हो गया पटाई। डापला मीरी आहोर मिश्री और ये हो गया पटकाई को ये किस स्टेट का आ गया ये आ गया अरुणाचल प्रदेश का। अब इसी अरुणाचल प्रदेश में ये पटकाईबुम जो श्रेणी है यही अलग करता है म्यांमार को अलग करने वाला पहाड़ हो गया कौन सा पटकाईबुम। कौन आ गया पटकाईबुम। जैसा कि मैप में तुम जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आता है कौन स्टेट नागालैंड। ये नागालैंड है और यहाँ पर एक पहाड़ी है नागा श्रेणी। धीरे धीरे बोलू धीरे धीरे बोलू नागा श्रेणी। कौन श्रेणी आ गया ये नागा श्रेणी अलग करता है ये भी म्यांमार। ठीक है यहीं पर तुम लोगों का टेररिस्ट ग्रुप हुआ करता था जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बड़ा जबरदस्त प्रभाव डालता था या यू कहो कि तहलका मचाता रहता था जिसके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक किया था। कहां पर तो म्यांमार के जंगलों में और उसी का परिणाम पड़ा था पाकिस्तान के ऊपर जो कहा था कि हमको वो बर्मा समझने की गलती ना करे। लेकिन ये एक सफल प्रयोग था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके बाद घूमा था किसको पाकिस्तान को। ध्यान रखना अभी तुम्हारे पास क्या आ गया यहाँ आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डापला उसके बाद आ गया कि नागालैंड यहाँ आ गया नागालैंड यहाँ आ गया मणिपुर और ये आ गया मिजोरम। अब हाँ ये रफ मैप में जितना अभ्यास करोगे मजेदार उतना ही होगा। इसमें ये जो आ गया अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम। मिजोरम में दो पहाड़ी बोले एक पहाड़ी एक आ गया लुसाई और एक आ गया मिजो ये आ गया लुसाई। अब इसकी चोटी पूछता है को एक आ गया लुसाई और एक आ गया मिजो लुसाई और मिजो। इसी लुसाई में आता है ब्लू माउंटेन और ब्लू माउंटेन को हिंदी में तोड़ोगे तो लगेगा कि नीलगिरी की पहाड़ी है और नीलगिरी की पहाड़ी को लिखेगा नीलगिरी की पहाड़ी। लेकिन जब चोटी के रूप में पूछेगा आंसर चेंज हो करके हो जाएगा क्या लुसाई नहीं लुसाई पहाड़ी। पूछा हुआ दारोगा का क्वेश्चन है जरा उसमें सब नीलगिरी टिक लगा के आया था तमिलनाडु जबकि आंसर क्या होगा मिजोरम। डन है यहाँ से यहाँ तक डाफला मीरी आबोर मिसुरी पटकाईबुम नागाश्रेणी कौन श्रेणी नागाश्रेणी यहाँ हो गया लुसाई यहाँ हो गया मिजोरम ये हो गया लुसाई ये हो गया मिजोरम ये हो गया लुसाई ये हो गया मिजोरम। त्रिपुरा की पहाड़ी का नाम हो गया त्रिपुरा। ध्यान रखोगे ये त्रिपुरा तीन तरफ से पूरा पूरी एक ही कंट्री किससे घिरा हुआ है तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं जो तीन तरफ से किसी एक ही देश से घिरा हुआ है। एक अपवाद है
जीरो सीमा रेखा तुम यहीं से पाओगे और यहीं से तुम्हारा मिलता है क्या, तो यहीं से तुम्हारा एक और चीज आता है, वो है गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना त्रिपुरा की पहाड़ी का नाम त्रिपुरा, मिजोरम में दो पहाड़ी मिसाई और मिजोरम, मिसाई और मिजोरम, हाँ मिजो की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, मतलब की एक श्रेणी नहीं है, बहुत सारी श्रेणियां हैं जिसका नाम पड़ा मिजो की पहाड़ी। मिजो जनजाति है उसी के नाम पर पड़ा मिजोरम, रम का मतलब ही होता है रहने वाले लोग, तो मिजो जनजाति रहने वाले लोग, मणि भी ऐसे ही है, नागालैंड जानते हो, इस सब 371 के अंतर्गत आता है यार जी। यहाँ पर कोई जमीन जैसे सिक्किम, सिक्किम में तुम पाओगे कि कोई भी हिंदुस्तानी वहां जाकर के चुनाव लड़ नहीं सकता, ये रोक है, जबकि रेस्ट भारत का कोई भी आदमी कहीं भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि कहीं भी जा सकता है और चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ के लिए ये बात लागू नहीं होता। अब तुम्हारा कल्चर भी अलग है नागालैंड का, यहाँ पर अंग्रेजी चलता है ज्यादातर आबादी जो है, तुम पाओगे यहाँ का क्या, तो ज्यादातर आबादी तुम्हारा ईसाई, भाषा अंग्रेजी चलता है, शायद ही कोई जीवित जीव है जिसको यहाँ के लोग खाते नहीं है, चाहे वो मेढक हो या छिपकली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और परम प्रिय आहार के रूप में आता है कुत्ता, नागालैंड का परम प्रिय आहार के रूप में आ जाता है क्या, कुत्ता। और नॉर्थ ईस्ट का राइट कल्चर भी अलग है, इसलिए इसको विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब तुम्हारा यहाँ पर देख लो, ये स्टेट आ गया तुम्हारा मेघालय, ये स्टेट आ गया क्या, मेघालय। मेघालय में तीन पहाड़ी, नाम बहुत चर्चित सुना होगा, गारो खासी और जयंती, 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 डन है, कौन कौन, गारो खासी और जयंती, गारो खासी और जयंती, गारो खासी और जयंती, ये तीन पहाड़ी इसका बेहद महत्वपूर्ण है। जरा गारो के सीन को देखो, गारो इस डिजाइन से कर्म किए हुए, ये ऐसे आप बतलाओ कि भारत में जो मानसूनी पवनों का डायरेक्शन है वो इस अनुरूप है कि नहीं, इसको डायरेक्ट टू डायरेक्ट रोक देगा कि नहीं। और इतना अधिक पहाड़ी होने के कारण, नॉर्थ ईस्ट भले हिमालय में स्थित हो 23.5 डिग्री से ऊपर हो, तो इस इलाके में जबरदस्त बारिश होगी कि नहीं। अब तुम्हारा इसके बाद आ जाता है असम, असम में देख लो एक यहाँ आ जाता है रेंगमा, जनजाति के नाम पर है, क्या नाम बोले, रेंगमा, एक आ गया है बारे, ई पहाड़ी आ गया रेंगमा और ये आ गया मिकिर, बड़ी इम्पोर्टेंट है बारे, ऐसा देख रहे हो जरा नक्शे में गौर से देखो, बारे एक ऐसा पहाड़ी देख रहे हो, बारे ये बारन पहाड़ी, ये बारन पहाड़ी ये वो पहाड़ी है जो तुम्हारा कवर करता है किसको, आसाम से भी, नागालैंड को भी, नागालैंड को भी और मणिपुर को, तीन स्टेट को कवर करता है कौन, तो स्टेट को कवर करता है बारे की पहाड़ी, टफ इम्पोर्टेंट है, जबरदस्त इम्पोर्टेंट है, हरिया गया है, जरा एक बार तुम लोग इसको वेरीफाई करके देख लो कि पूरा पहाड़ी का नक्शा है कि नहीं। ये मान लिया कि अरुणाचल प्रदेश है, हम बोलते जाएंगे तुम लोग समझते चलना, ये आ गया यहाँ पर दाफला, ये आ गया मीरी, ये आ गया आओ, ये आ गया मीरी, ये आ गया, ठीक है, इसके बाद नीचे आ गया नागालैंड, यहाँ आ गया नागासोलैंड, ये आ गया मणिपुर, ये आ गया मिजोरम, मिजोरम में यहाँ पर आ गया लुसाई और ये आ गया मिजो, मिजो की पहाड़ी, ये इलाका आ गया त्रिपुरा का, यहाँ आ गया त्रिपुरा की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी के बाद तीन इलाका आ गया, तो मेघालय वाले इलाका में आ गया क्या क्या, गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंती। अब आ जाता है असम, असम के इलाका में यहाँ हमने एक पहाड़ बतलाया जिसका नाम है बारे, ये आ गया उत्तरी रेंगमा और ये आ गया कौन सा, मिकिर की पहाड़ी, और इसी मिकिर की पहाड़ी के नीचे आता है तुम्हारा गेंडाकार नेशनल पार्क, जिसका पर काजीरंगा उद्यान, ये जब बड़ा एग्जाम लोगे तो उस कंडीशन में लोकेशन पूछता है, अन्यथा लोकेशन जल्दी पूछता नहीं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में बढ़िया से आ गया होगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब तुम्हारा आगे एक एक पहाड़ी की विशेषता को हम लोग देखते चलेंगे कि किसकी क्या विशेषता है और किन कारणों से वो जाना जाता है। ओके हो? तो अब एक एक पहाड़ी देख लो। तुम लोग पहाड़ी का नक्शा दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा, पोजिशनिंग है ना क्लियर कि कौन किसके आगे है और कौन किससे पीछे है। तो इसी में तुम्हारा आ गया एक एक पहाड़ी ले लो। जैसे एक पहाड़ी आ गया मिश्मी, क्या नाम है इसका? मिश्मी, मतलब एकदम उत्तर में पड़ता है कि नहीं? मिश्मी एकदम उत्तर में है या नहीं? ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी इसी मिश्मी पहाड़ी को कट करके भारत में प्रवेश करती है। तो मिश्मी पहाड़ी की विशेषता क्या हुई? मिश्मी पहाड़ी की विशेषता हुई कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अगर हिंदुस्तान में प्रवेश करता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी को कट करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी कट करती है किस पहाड़ी को? मिश्मी पहाड़ी को। किस पहाड़ी को? ब्रह्मपुत्र नदी हो गया मिश्मी पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया पहाड़ी। एक आ जाता है अबोर, ये जो आ गया अबोर की पहाड़ी। तुम लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी में पढ़ाए थे सुबन सिंह गंगा, हाँ या ना? ध्यान रखना ये आबोर जो है ये चीन और इंडिया अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा रेखा का काम करता है। तो मिश्मी पहाड़ी जाना गया ब्रह्मपुत्र नदी के लिए और आबोर जाना गया किसके लिए? चाइना और इंडिया के बीच सीमा रेखा के निर्धारण के लिए। किस किस के बीच? चाइना और अब इसको अलग करता है सुबनसिरी नदी। कौन नदी? कौन नदी? कौन नदी? कौन नदी? और एक आ जाता है डाफला जो इसके करीब करीब मिड पॉइंट तक कवर करता है। और अब ऐसे ही एक पहाड़ी ले लो जिसकी हर किसी की अपनी विशेषता है, मिकिर। मिकिर पहाड़ी में बोले कि काजीरंगा नेशनल पार्क इसी के नजदीक है। कौन पहाड़ी? काजीरंगा। कौन? कौन? काजीरंगा। काजीरंगा इसके पहाड़ के ऊपर उत्तर हो जाएगा, इसके नीचे दक्षिण हो जाएगा, जिसके दक्षिण में स्थित है कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस है। ये बड़ा टफ हो जाता है, सामान्य कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है? एक सिंह वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। लेकिन उसकी विशेषता क्या है, स्थित कहाँ है, ये टफ हो जाता है कि मिकिर पहाड़ी के दक्षिण है। इसके पहाड़ी दक्षिण में आप यहाँ पर देख लो ये आ गया कौन पहाड़ी? रेंगवा। रेंगवा एक जनजाति है, इसी जनजाति के नाम पर इस पहाड़ का नाम क्या पड़ा? रेंगवा। क्या नाम पड़ा? रेंगवा। अब देखो पटकाई बूंद, पटकाई बूंद देख रहे हो यहाँ पर है। ये पटकाई बूंद झूम खेती के लिए जाना जाता है। ये झूम खेती क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झूम खेती मतलब स्थानांतरित खेती, जहाँ पर खेती जो किसान है ट्रैवल एग्रीकल्चर का जो कल्चर है उसमें एक जगह कुछ समय तक खेती करेगा, फिर उसको उस जगह को छोड़ देगा, तभी तक खेती करता है जब तक उसमें उपजाऊपन रहता है। फिर जैसे ही वहां का उत्पादकता खत्म हुआ जगह बदला, फिर खेती किया, जगह बदला फिर खेती किया। तो ये गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। ध्यान रखना ये विशेषता है पटकाई भूपा श्रेणी की। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, तो क्या क्या आप बतलाए? मिश्मी पहाड़ी ब्रह्मपुत्र के लिए, मिश्मी पहाड़ी ब्रह्मपुत्र के लिए, आबोर चीन के साथ सुबनसिरी नदी इसको अलग करती है दाईं। सुबनसिरी नदी इसको क्या करती है? अलग करती है। पटकाई भूम आ गया झूम खेती के लिए, पटकाई भूम आ गया झूम खेती के लिए। मिकिर की पहाड़ी आ गया इसके नीचे हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। रेंगमा जनजाति के नाम पर, रेंगमा जनजाति नागालैंड की विशेषता हो गई। अलग किया किसको? म्यांमार और नागालैंड। और इसी की चोटी का नाम है सारामती। किसका? नागा की सर्वोच्च चोटी का नाम है सारामती। तो दिमाग में रखना यार नागा शर्माती है। क्या नाम बोले? नागा शर्माती है। नागा शर्माती है। नागा शर्माती है। अब ऐसे ही आ गया बारेन, असम और मणिपुर की सीमा पर है, हालांकि ये टच करने को नागालैंड को भी टच करता है। कौन श्रेणी? बारेन। 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 डन है। अब एक आ जाता है तुम्हारा मणिपुर की पहाड़ियाँ।
ध्यान रखना यहाँ पर भी पहाड़ी है, यहीं से एक नदी निकलती है मणिपुर में, मणिपुर की पहाड़ियाँ, यहीं से नदी निकलती है बराक नदी। कौन नदी? 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 बराक नदी। और मणिपुर में जानते ही हो ये चर्चित है लोकटक झील के लिए, और वही लोकटक झील है जिसमें केबुलाम जावो नामक तैरता हुआ पार्क पाया जाता है। डाना यहाँ तक अब ये आ जाता है लुसाई की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? ध्यान रखना इसका बेहद इम्पोर्टेंट है। लुसाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। बड़ी इम्पोर्टेंट है। कौन माउंटेन? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ध्यान रखना जी। इसकी सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन को हिंदी में करोगे ग्यारह निकलने लगेगा, लगेगा नीलगिरी की पहाड़ी की बात की जा रही है। बात समझ में आ रहा है? इसकी बात की जा रही है। ध्यान रखना नीलगिरी पहाड़ी नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसलिए हिंदी रूपांतरण ना देखें। नीलगिरी देगा तो पहाड़ी देगा, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कहा दे कि ब्लू माउंटेन किसकी चोटी है, कोई पहाड़ी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चोटी। और चोटी पूछेगा तो जाएगा किसका? लुसाई। चोटी पूछेगा किसका? लुसाई का। ये समझ में आ गया? अब ऐसे ही तुम्हारा ले लो एक आता है त्रिपुरा, जो आ जाता है कौन पहाड़ी? त्रिपुरा की पहाड़ी। और इस पहाड़ी का की चोटी का नाम है थीट, थीट, थीटलिंग, यही है ना? हाँ थीटलिंग। ध्यान रखोगे त्रिपुरा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का नाम है थीटलिंग। एक्चुअली त्रिपुरा की त्रिपुरारी के नाम पर नाम पड़ा है। धार्मिक रिलीजियस रीजन यही है कि भगवान शिव के अनुयायियों की तादाद यहाँ सबसे ज्यादा है, इसलिए नाम पड़ा क्या? त्रिपुरारी से वर्ड बना त्रिपुरा। ज्योग्राफिकल रीजन में कहा जाता है कि तीन तरफ से इसको घेरे हुए है। कौन? बांग्लादेश, ऐसा एक लौता क्षेत्र। आसाम को देखो, आसाम को बांग्लादेश दो पॉइंट पर टच करता है। यार ये खासा इम्पोर्टेंट इसी नजरिए से आ जाता है कि किसको, कौन ऐसा स्टेट है जिसको दो बार बांग्लादेश टच करता है? दो अलग अलग पोजिशन में, एक पोजिशन ये हुआ बीच में मेघालय है, और एक पोजिशन ये हुआ। एक बार वापस चलते हैं, तुम लोगों को हम बताए कि मिश्री जाना जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी के लिए, आबोर चीन की सीमा रेखा के लिए, और सुबर्णसिरी के लिए, पटकाई गुम हो गया झूम खेती के लिए, और म्यांमार के साथ सीमा रेखा के लिए। यहाँ पर आ गया तुम्हारा नागा, जिसकी चोटी का नाम है शारा नदी, और विशेषता हुआ कि ये म्यांमार के को अलग करता है। यहाँ पर आ गया मणिपुर, मणिपुर से यहाँ से निकलती है नदी, जो नदी है बराक नदी, जो नदी निकलती है बराक नदी, और बराक नदी सब तमाम नदियां सहयोगी है ब्रह्मपुत्र नदी की। लुसाई की चोटी पूछेगा तो ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन में फिर कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर बेवकूफी मत करना, इसको नीलगिरी पर्वत मत समझना। पर्वत नीलगिरी पूछेगा तमिलनाडु आ जाएगा, चोटी पूछेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा। लेकिन ब्लू माउंटेन चोटी पूछेगा तो हो जाएगा लुसाई, यहाँ गड़बड़ाने की जबरदस्त संभावना है। त्रिपुरा की चोटी का नाम हो गया थीटलिंग। और यहाँ देख लो ये गारो है, ये खासी है, और ये जयंती है। कौन कौन? गारो, खासी और जयंती। और गारो की सर्वोच्च चोटी का है, चोटी का नाम है नौकरेकर। नाम क्या बोल रहे हैं? नौकरेकर। नौकरेकर क्या नाम बोले? नौकरेकर। क्या नाम बोले? नौकरेकर। क्या नाम बोले? नौकरेकर। क्या नाम बोले? नौकरेकर। चोटी का नाम क्या हो गया? 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 नौकरेकर। ध्यान रखना यही खासी है इसकी, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि चेरापूंजी इसी पर स्थित है, जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा के, भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता था। अब वो चेंज होकर के हो गया मासिंगराम। कौन हो गया? और खासी नाम इसलिए है क्योंकि ये जनजाति के नाम पर है। समझ में आ गया यहाँ तक? और उसके बाद आ जाता है जयंती, जो यहाँ पर देख रहे हैं। जो इस प्रकार ये नॉर्थ ईस्ट की टोटल पहाड़ी हो गया। उम्मीद है कि पूरी पूरी बात तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जरा सा देखते चलो, ये हमने बना दिया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया राफला, ये हुआ मिनी, ये हुआ अब देख लो ई तुमको आबोर में बोले कि चीन के साथ, चीन के साथ सीमा रेखा और सुबर्णसिरी नदी, ये आ गया ब्रह्मपुत्र नदी, जो किसको काटा? मिश्री को। राफला, मिनी, आबोर और ये आ गया कल्पायन सीमा रेखा, ये नागालैंड सरवाती है, नागा सारामती, इसके साथ
ये म्यांमार के साथ मणिपुर यहाँ से बराक नदी का उद्गम है। ये आ गया लुसाई की पहाड़ी और लुसाई की पहाड़ी में बदला है ब्लू माउंटेन चोटी हो गया, त्रिपुरा का हो गया कौन सी चोटी का नाम इसका उसकी चोटी का नाम है खेटली चोटी का नाम हो गया खेटली। फिर आ गया गारो गारो की चोटी का नाम क्या बतला है क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है। तो इस प्रकार नॉर्थ ईस्ट की करीब करीब सब पहाड़ी कंप्लीट हो गया। उसमें तुम लोगों को एक स्पेशल दिमाग में रखना है कि अरुणाचल इसका असम में जो ये पहाड़ी है मिकिर पहाड़ी असम में कौन पहाड़ी मिकिर पहाड़ी और उसी मिकिर पहाड़ी के नीचे स्थित है कौन सा डन है। अब इसी में जान लो भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा का नाम है लिए वीरे ये एकदम नेचुरल गुफा है। सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा नाम क्या है लिए वीरे ठीक है नाम क्या है लिए वीरे होगा कहीं नहीं पता नॉर्थ ईस्ट में कहीं होगा ठीक है। नाम क्या है लिए वीरे लिए वीरे जयंती की पहाड़ियों में स्थित है ठीक है। नाम क्या हो गया लिए वीरे डन है। तो ये होता है पर नॉर्थ ईस्ट का पूरा पूरी बैठ गया होगा फाइनल राउंड फाइनल टच देख लो डाबला मीरी आबोर मिश्री ये हो गया सुबनसिरी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी के लिए ये म्यांमार से अलग करने के लिए नागा भी अलग करने के लिए चोटी का नाम सारामती यहाँ पर आ गया मणिपुर मणिपुर की पहाड़ियां यहाँ से बराक नदी है ये भी अलग करेगा म्यांमार से। ये आ गया लुसाई जो जाना जाता है ब्लू माउंटेन के लिए त्रिपुरा एक फिटलिंग हो गया गारो का आ गया नाकरेकर ये आ गया खासी जहाँ पर मासीराम और चेरा दोनों स्थित है और ये आ गया जयंती की पहाड़ी। और करीब करीब नॉर्थ ईस्ट का एक और टेक्निक तुम लोग बेहतर तरीके से दिमाग में रख लो वो तरीका यह है कि जो पहाड़ी है और जो पहाड़ी का नाम है वो पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर है जो वहां की जनजाति है। बात समझ में आ गया। जय हिंद जय गौरव।